हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं पिज्ज़ा। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून सोडा, 1 टेबल स्पून चीनी। तो ये हमने सोडा लिया है, ये बेकिंग पाउडर है, ये डब्बे में आती है, 26 रुपये की है। 1/2 टेबल स्पून नमक लिया, अब 1 कप हम मैदा लिए हैं, मैदे के अंदर होल करेंगे, बेकिंग सोडा रखेंगे, बेकिंग पाउडर रखेंगे, दही रखेंगे, सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे, उसके बाद रखेंगे ऑयल, थोड़ी थोड़ी करके ऑयल रखेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी रखेंगे, थोड़ी थोड़ी सा पानी रखेंगे, अच्छे से आटे को गूंथना है, इसको मार मार कर पीट पीट कर इसको सीधा करना है। तो ऐसे हाथ से मिलाएंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो हाथ में जितनी लगी है उसे ऑयल लगा कर निकाल लेंगे। उसके बाद लेंगे शिमला मिर्च, प्याज, इसे कट करेंगे, जैसे अभी कट करना वैसा कट करेंगे। तो हम बिल्कुल सिंपल पिज्ज़ा बना रहे हैं। अगर किसी समय भी भूख लगी, कभी भी लगी, तो हम सिंपल ही बना सकते हैं, इतना सिंपल है ये। अगर घर में कुछ नहीं भी है तो भी ये फटाफट जल्दी से बन जाएगा और स्वाद में बहुत टेस्टी बनेगी। तो हम कढ़ाई लिए, उसमें नमक रखे, उसके बाद कटोरी रख दिए गरम होने के लिए। जब तक वो गरम हो रही तब तक हम बेल लेते हैं। इसकी एक बहुत ख़राब आदत मुझे लगी है, जो हम इसको बेलते हैं तो ये बहुत जल्दी छोटा होने लगता है। उसके बाद हम इसमें कांटे वाले फोर्क से इसमें होल करेंगे। उसके बाद हम सॉस लेंगे, चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है। उसमें हमने रखा लहसुन बारीक कटा हुआ, सूखी मिर्च को कूट के रख दिया है, उसके बाद उसमें मिला दिए हैं। तो ये रेडी हो चुकी है, देखिए ये सिंपल सा पिज्ज़ा बनकर हमारा तैयार है। तो कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज़ बताएं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।